राज्यसभा चुनाव में आए दिन अखिलेश कोई ना कोई सरप्राइज दे रहे हैं। ऐसा करते हुए अखिलेश ने 3 राज्यसभा टिकटें बांटी। अब लोकसभा उपचुनाव की 2 टिकटें भी इसी पैटर्न पर बांटी हैं। अखिलेश की सरप्राइज पॉलिटिक्स पर अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है उनकी पत्नी डिंपल यादव। सब सोच रहे थे कि यूपी से सपा के जो 3 सांसद राज्यसभा जाने वाले हैं, डिंपल उनमें एक होंगी। अखिलेश ने राज्यसभा में डिंपल को नहीं भेजा, जबकि 2019 के चुनाव के बाद से घर में वो बैठी हुई हैं। पहले कपिल सिब्बल की निर्दलीय उम्मीदवारी को समर्थन दिया और फिर जयंत चौधरी को गठबंधन का उम्मीदवार बना दिया। तीसरी सीट जावेद अली को दे दी, लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव डिंपल यादव को टिकट क्यों नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव होगा। रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई। आजमगढ़ की सीट से खुद अखिलेश ने इस्तीफा दिया। दोनों एमएलए चुनाव जीत गए थे, इसीलिए इरादा ये था कि संसद छोड़कर अखिलेश और आजम विधानसभा में बैठकर राजनीति करेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर की सीट पत्नी तंजीन फातिमा को मिलेगी। सबको सरप्राइज करते हुए अखिलेश ने रामपुर के सपा अध्यक्ष आसिम रजा को टिकट दे दिया। आजमगढ़ सीट को लेकर माना जाता रहा था कि डिंपल की राजनीति को ऑक्सीजन देने के लिए अखिलेश उपचुनाव लड़वा देंगे, लेकिन अखिलेश ने अपने चचेरे भाई और मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। धर्मेंद्र यादव है तो परिवार के, लेकिन पुराने सपाई भी हैं। एक बार मैनपुरी और 2 बार बदायूं से सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा और लोकसभा चुनावों के बहाने डिंपल यादव राजनीति में वापसी कर सकती थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि डिंपल की राजनीति फिलहाल शुरू नहीं होने वाली है। कहा जा रहा है कि डिंपल का नाम सीरियस कंसिडरेशन में था, लेकिन डिंपल ने ही चुनाव के लिए मना कर दिया था। 2019 में कन्नौज से चुनाव हारने के बाद से डिंपल यादव फैमिली चला रही हैं और अखिलेश ने पार्टी का जिम्मा संभाला हुआ है। 10 साल में डिंपल की राजनीति शुरू होकर खत्म होती दिख रही है। मुलायम परिवार की बहुरानी डिंपल यादव का मायका राजनीति वाला नहीं, आर्मी वाला है। पुणे में जन्मी, कई राज्यों में पढ़ाई करने वाली डिंपल की 1999 में अखिलेश से शादी हुई थी। अखिलेश को डिंपल से लव था, डिंपल से शादी चाहते थे, इसीलिए मुलायम सिंह ने शादी अरेंज करा दी। बहुरानी बनने के बाद डिंपल ने 1999 से 2009 तक ससुराल, पति पत्नी और 3 बच्चों वाला घर संभाला। ससुराल वालों को जरूरत हुई तो 2009 में राजनीति में आ गई। अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई फिरोजाबाद सीट से पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई। हमारी माताएं, मेरी प्यारी बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं, 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव जीते थे। एक सीट खाली करनी थी तो उन्होंने कन्नौज रखकर फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बड़े यकीन से डिंपल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की थी, लेकिन राज बब्बर के कारण डिंपल की राजनीति टेक ऑफ ही नहीं हुई। 2012 में यूपी के सीएम बने तो अखिलेश ने कन्नौज लोकसभा सीट भी छोड़ दी। सपा के टिकट पर फिर डिंपल यादव को लड़ाया गया। इस बार डिंपल का दाव ठीक बैठा। तब बीएसपी, कांग्रेस, यहां तक कि बीजेपी ने मुलायम परिवार की बहुरानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। डिंपल निर्विरोध चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बन गई। चुनावी राजनीति में रेयरेस्ट ऑफ रेयर चुनावों में से एक है कन्नौज का 2012 वाला उपचुनाव। 2014 में पीक मोदी लहर में भी डिंपल कन्नौज से लड़ी और जीत कर सांसद बन गई। 2014 वाली लोकसभा भी अनोखी थी, जिसमें ससुर मुलायम सिंह भी सांसद थे और बहू डिंपल भी। उस दौरान अखिलेश यादव यूपी के सीएम हुआ करते थे। 2019 में डिंपल के लिए फिर लोकसभा सीट कन्नौज चुनी गई, लेकिन डिंपल जीत नहीं सकी। पति के साए में डिंपल की राजनीति गिरती उठती रही। एक बार नहीं, 4 बार उन्होंने पति अखिलेश की सीटों से किस्मत आजमाई। 2 बार शिकस्त और 2 विजय मिली। ससुराल वाली सियासत डिंपल के लिए गेंदा फूल ही साबित हुई। हालांकि प्रचार का जिम्मा अभी भी उन्होंने संभाल रखा है। सिराथू चुनाव में सपा गठबंधन उम्मीदवार पल्लवी पटेल के लिए वोट भी मांगे थे। इसी चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हारे थे। डिंपल यादव के सियासी सफर में और कितने पड़ाव आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और आगे भी हमारे साथ इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।